सो गाइस सीन नंबर लेके लेने के जल्दी आने के फायदे ये होते हैं कि ये देखो मेरे पीछे अभी पूरी लाइन की लाइन बनी पड़ी है। यहाँ पे कम से कम नहीं तो 79 to 80 बच्चे खड़े हैं जो कि अपना सीन लेने आए हैं और मैं फ्री होके बाहर भी आ चुका हूँ। टाइम आप दे सकते हो 9 बजे हैं अभी, 6 बजे हमें सीन, 6 बजे का मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरे को फ्रेंड मेरा यहाँ पे छोड़ गया था, सो तब से लेके अब तक मैं यहीं पे हूँ। 8:30 बजे खुला, 9 बजे मेरी टर्न आ गई। 8-10 बच्चे थे मेरे आगे, बाकी मेरे आगे कोई नहीं था। तो अभी बाहर निकलते हैं, बस लेके घर जाते हैं, घर जाके सोते हैं अभी। लेकिन जो लेट आए हैं वो यहाँ पे आगे बैठे पड़े हैं, अभी इनको लगेगा 1-2 घंटा। सो हेयर इज एडवाइस फॉर यू, जल्दी आओ, अपना काम खत्म करो, घर पे जाओ टेंशन फ्री। बाकी सीन में क्या क्या पूछा वो मैं आपको आगे बताता हूँ, कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, वो सब इस वीडियो में आगे। तो गाइस सीन नंबर लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है एक तो होना चाहिए आपके पास आपका पासपोर्ट और आपका जो है वो स्टडी परमिट। ये दोनों चीजों को वो चेक करते हैं और आपको आपका सीन नंबर प्रोवाइड कर देते हैं। उसके लिए उन्होंने थोड़ी सी गाइडलाइंस वहां सामने लिख के रखी है, वो गाइडलाइंस को आप फॉलो कर सकते हो। और साथ में मास्क जो लगाना है वो उन्होंने बोला हुआ है कि पक्का लगाना ही लगाना है। बाकी वहां तक ही है मास्क लगाना, आगे जाके मास्क की कोई इतनी जरूरत नहीं पड़ती। बाकी आप देख सकते हो कि और ज्यादा कोई कुछ है नहीं। क्वेश्चनिंग वो करते हैं, आपसे आपका नाम पूछेंगे, लास्ट नेम पूछेंगे, आपके मदर फादर का नेम पूछेंगे, आपका नंबर और आपका एड्रेस। ये 5-6 चीजें हैं जो वो पूछते हैं। अगर आपको आपका नंबर नहीं याद कोई बात, उनको बोल देना कि मेरे को नहीं याद। और अगर आपको आपका एड्रेस भी नहीं याद तो वो भी बोल देना, लेकिन वहाँ पे वो रिटर्न में लिखवा लेते हैं आपसे एक पेज पे। और ये चीज जरूर बना लेना यार, ये बहुत काम आती है आपके, नहीं तो ऐसे धक्के खाते फिरोगे आप, फिर देखते रहोगे कि कोई आपको आए और आके आपको लेके जाए। सो या ये वाला काम एक जरूर कर। गाइस फर्स्ट टाइम बस की सर्विस का मजा भी ले लिया है और हुआ कुछ ऐसे कि मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मेरे को दे दिया अपना प्रेस्टो का कार्ड, ठीक है। अब उनके प्रेस्टो के कार्ड में थी कोई नो कैश, कोई कैश नहीं था उनके प्रेस्टो के कार्ड में, और ऐसे उन्होंने मेरे को दे दिया, बोल दिया कि जा तू देख ले चला के, अगर चलता है तो ठीक है। तो अभी मैंने ये वाला कार्ड उनका ऐसे ही चलाया है, पहले तो एक ने तो उतार दिया, बड़ी बेशर्मी की बात है, लेकिन ये सेकंड वाला मेरे को ऐसे ही ले आया, उसमें 0 बैलेंस। उसने बोला कि इसने कुछ बोला ही नहीं, पहले वाले ने कुछ नहीं की तो मैं उतर आया मजे से, मैंने उसको जवाब जरूर नहीं ज़्यादा दिए, मैं उतर गया। अब सेकंड वाला ले आया और अब यहाँ से है 2 किलोमीटर की वॉक, तो 2 किलोमीटर की वॉक करते हैं और आपके साथ थोड़ी सी बातें शेयर करते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है अभी तक कनाडा में रह के। सो या मिलते हैं आगे बातें करते हुए। अभी मैं मैप डाल के थोड़ा सा एड्रेस देख लूँ कि जाना कहाँ पे है, और धूप काफ़ी तेज है यहाँ पे, सिस्टम बड़ा अच्छा है यहाँ पे। इस बटन को दबाओ, ये रेड बत्ती चल गई और फिर वहाँ से वो जो हाथ है वो होगा यहाँ पे चलने वाला होगा, तो हम चल के जा सकते हैं, ऐसे बीच में से भाग के नहीं जा सकते। तो गाइस रोड क्रॉस करके आ चुके हैं और आज तक का कनाडा का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताता हूँ कि कनाडा में यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से हैं, मज़े से हैं, लेकिन जो आपने स्टार्टिंग में करना है वो करना है कि अपना प्रेस्टो वाला कार्ड वगैरह बना लेना, थोड़ी बहुत और चीज़ें वो बना लेना। मेन उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बता दूंगा, अभी मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस जो यहाँ पे आया अभी तक कनाडा में वो कैसा रहा। मैं 18 को आया था, आज 22 है, 4 दिन हो गए। तो सबसे पहले ये चीज़ कि जिनके साथ रह रहे हैं उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसे बनती है। मेरा तो पंगा ही अलग पड़ गया था, यहाँ पे जिनके साथ मैं रह रहा हूँ काफ़ी अच्छे हैं और सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जिस दिन मैं लैंड हुआ, प्रॉब्लम्स की बात करते हैं यहाँ पे। तो गाइस अभी बात करते हैं प्रॉब्लम्स की कि कनाडा में प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो कैसे आती हैं। तो वो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाती हैं, मैंने जैसे ही मैं कनाडा में लैंड किया, आपने वीडियो में देखा होगा कि कितना सारा क्राउड था, पूरी भरी हुई थी, ठीक है। इमिग्रेशन पे मैं वेट कर रहा था और मैंने अपनी मेल चेक की, क्योंकि वो बोल रहे थे कि कोविड वाली मेल आती है कि किसी किसी को, तो मैंने तब ना अपनी मेल चेक की एंड व्हाट आई फाउंड आउट दैट मेरा जो कॉलेज का कैंपस है वो चेंज हो गया। अब मेरे को पूरा पंगा पड़ गया कि अगर कॉलेज का कैंपस जो है वो चेंज हो गया, तो फिर मेरी जो जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, जहाँ पे मैंने अपनी अकोमोडेशन बुक की है, वहां से कॉलेज जाने का जो मेरा डिस्टेंस था वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट होके 1 घंटा जहाँ पे लगना था वहां से हो गया 3 घंटे। सो इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू ट्रेवल 3 आवर। ये पता नहीं यार ऊपर से पानी कहाँ से गिर रहा है, ये पत्ते कनाडा वाले पत्तों ने ना पानी स्टोर करके रखने लगता अपने पास।
हाँ, तो मैं कह रहा था कि वो जो मेरा ट्रेवल का डिस्टेंस है वो बढ़ के हो गया सीधा का सीधा 3 और 3 6 घंटे, 6 घंटे आना जाना। और मेरा कॉलेज है हफ्ते में मैक्सिमम मिनिमम टू मिनिमम 3 डेज तो होगा ही, तो अगर 3 डेज में इतना ट्रेवल करूंगा तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा पक्का। फिर उसके बाद काम भी करना है, सारा कुछ करना है, तो थक तो मैं इसी ट्रेवल में जाऊंगा, तो बाकी मैं काम कहाँ से करूंगा। तो अब जो मेरे सामने प्रॉब्लम आ गई थी वो आ गई थी कि मैंने यहाँ पे जो कनाडा में रेंट का सिस्टम है वो ऐसे चलता है कि आपको देने होते हैं डबल रेंट, मतलब कि फर्स्ट और लास्ट मंथ का रेंट आपको एक साथ देना होता है, ताकि जो ओनर है उसके पास टाइम हो जब आपने छोड़ना है घर, तो उसको 1 महीना उसके पास टाइम हो कि वो आपकी जगह किसी और को ढूंढ सके, क्योंकि कोई भी अपनी जेब से तो आपके पैसे भरेगा नहीं, वो तो सिंपल सी बात है। सो ये था पूरा हिसाब किताब। तो फिर अब मैंने करना क्या था, तो मैंने क्या किया, अपने फ्रेंड से बात की, ये यहाँ पे वो काफ़ी अच्छे, उन्होंने काफ़ी मेरा साथ दिया, उन्होंने बोला कि चल ठीक है तू इस महीना, ये जो अगस्त का महीना है इसका रेंट तो हमें दे दे, एंड नेक्स्ट सितंबर 1 के लिए हम किसी और को ढूंढ लेंगे, ताकि तेरे ज़्यादा लॉस ना हो और तू अपना चेंज कर सके। तो अब ये पंगा था कि वहाँ पे ढूंढें कैसे, क्या करें। एंड गाइस आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे हर चीज़ का सोल्यूशन है, यू विल गेट सोल्यूशन ऑफ ऑल दी थिंग्स नो मैटर व्हाट और व्हाट यू डू। सो ज़्यादा अपने दिमाग में स्ट्रेस मत लेना। हाँ आई नो कि टेंशन होती है, मेरे को भी काफ़ी थी, काफ़ी रहा, मेरे को सारे मेरे फ्रेंड्स बोलते रहे टेंशन मत ले, कुछ नहीं होता, सारा कुछ अच्छे से, लेकिन फिर भी दिमाग में टेंशन रहती है यार, अब मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, अगर वो नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। तो हर एक चीज़ का सलूशन निकल आता है। अब जो मेरा कॉलेज है, मैं कैंपस देख के आया, कल गया था, इतनी अच्छी कैंपस है ना, कोई हिसाब नहीं, मतलब कि उसके सामने ही वॉलमार्ट है, मैं काम कर सकता हूँ अपना सिंध वाला जहाँ पे मर्जी, और जो एरिया है वो माल्टन का एरिया है मिसिसागा में, एंड नए आए स्टूडेंट के लिए वो कहते हैं कि वो जन्नत है, बेस्ट है, अच्छे से काम मिल जाता है, बहुत सारे वेयर हाउसेज हैं वहाँ पे, एंड एवरीथिंग यू विल गेट देयर। सो जो हुआ अभी तक के लिए अच्छा हुआ, अभी मैंने टिफिन लगवाया, टिफिन सर्विस लगवा लेना आप यहाँ पे आते ही, चाहे आप कुक करते हो या नहीं करते, आते ही मत कुकिंग शुरू करना, अपने आप को थोड़ा टाइम दो, 1-2 महीना, ज़्यादा पैसे स्पेंड करने से कुछ नहीं होगा, मतलब कि अगर आते ही आपने अपना शेड्यूल को इतना हैक्टिक बना लिया, खाओ पियोगे नहीं। तो मैंने भी स्टार्टिंग में ट्राई किया था कि मैं कुकिंग करूं खुद, नहीं दिल करता, होती भी नहीं है, एक 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 दिन में एक बार रोटी खाता था मैं पहले 2 दिन। सो ऐसा कुछ होता है। अभी देखो सामने पार्क में बच्चे वगैरह खेल रहे हैं। तो यही था मेरा आज तक, अभी तक की जो प्रॉब्लम्स वगैरह, बाकी जो था यहाँ पे सब मजे में रहते हैं, अच्छा है, मतलब कि आप कह सकते हो कि इट इज़ अ गुड प्लेस टू लिव। बाकी अब मैं चेंज करूंगा इस घर का, मैं ना हाउस टूर बना दूंगा, अभी घर पे कोई नहीं होगा थोड़ी देर बाद, तो सारे रूम वराम आपको दिखा के अच्छे से कि कैसे है, मेरी बेसमेंट का पूरा आपको हाउस टूर दूंगा। ओके बाय बाय।